वेलकम बैक टू माय चैनल फूडनेट विद अंकिता। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप लोग, आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कच्चे केले की कोफ्ते की रेसिपी। कच्चे केला तो बहुत लोगों को पसंद नहीं होता है, खास करके बच्चों को, लेकिन अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आई होप आपको कच्चे केले से एकदम प्यार हो जाएगा। तो चलिए और ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से देख लेते हैं इस रेसिपी को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में रहे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो कच्चे केले अच्छे से बॉईल करके लिया है। ये गर्म है इसलिए मैं पहले थोड़ा चम्मच से इसको मसल लूंगी। अभी मैं अपने हाथ से अच्छे से इसको मसल के रेडी कर लूंगी। तो मैंने अपने हाथ से अच्छे से मसल लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 टीस्पून पिसा हुआ नारियल, 1 टेबलस्पून दही और डालेंगे 2 टीस्पून बेसन। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक डो जैसा बना लेंगे। तो मैंने अच्छे से मिक्स करके इसे एकदम रेडी कर लिया है। अब मैं इनमें से छोटे छोटे बॉल्स बना लूंगी। तो मैंने बॉल्स बना के रेडी कर लिया है, अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी सरसों का तेल, थोड़ा ज़्यादा लेंगे ताकि हमारा जो कोफ्ते हैं, मतलब जो हमने बॉल्स बना के रेडी कर लिया है, उसे हम अच्छे से फ्राई कर सकें। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब मैं धीरे धीरे हमारे जो केले के कोफ्ते हैं उसे फ्राई कर लूंगी। मैंने इस टाइम फ्लेम को मीडियम पे रखा है। तो ऐसे ही हम बाकी के जो कोफ्ते हैं उसे हम अच्छे से फ्राई करके निकाल लेंगे। अच्छे से लाल होने तक हमें इसे फ्राई करते रहना है। तो हमारा कोफ्ते रेडी हो चुका है, तो मैंने इसे निकाल लिया है। अब मैं सेम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल को मैंने कम कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 तेजपत्ता, इलायची, लौंग और दालचीनी और डालेंगे थोड़ा साबुत जीरा। अभी मैंने डाला है अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट 2 टीस्पून। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी मैंने एक मसाला बना के रखा था, इसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर। इन सबको मैंने एक साथ पानी के साथ एक घोल बना के रखा हुआ था, वही मैंने ऐड किया है। इस मसाले को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब मैं इसमें 2 टीस्पून दही ऐड कर रही हूँ। मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया था, वही मैंने डाला है। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मसाला जो है अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी काजू का पेस्ट। मैंने यहाँ पे 7-8 काजू और कुछ किशमिश लिया है, दोनों को एक साथ मैंने पीस लिया है, वही मैंने इसमें ऐड किया है। तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स करके फ्राई कर लेंगे। देख सकते हैं आप, मसालों ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, मतलब हमारा जो मसाला है वो एकदम रेडी है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। जितना आप ग्रेवी रखना चाहते हैं उतना ही पानी ऐड करें। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम उबाल आने तक वेट करेंगे।
तो इसमें अच्छे से अभी उबाल आना शुरू हो चुका है। अब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा चीनी। अब मैं हमारा जो फ्राई किया हुआ कोफ्ता है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप ग्रेवी ड्राई खाना चाहते हैं तो पानी को थोड़ा और सुखा लें, अगर आप ऐसे ही रखना चाहते हैं तो ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। तो मैं पानी को थोड़ा सा ड्राई और कर लूँगी। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 टीस्पून घी। तो हमारा जो कच्चे केले का कोफ्ता है वो एकदम तैयार हो चुका है। थोड़ी देर बाद मैं इसको फ्लेम को बंद कर दूंगी और सर्व कर दूंगी। तो चलिए, तैयार हो चुका है हमारा कच्चे केले का कोफ्ता करी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। जिनको कच्चे केले खाना बिल्कुल पसंद नहीं है उनको भी ये बहुत ही पसंद आएंगे। बच्चे बड़े सभी को ये बहुत ही पसंद आने वाले हैं। तो आप भी इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कैसा बना है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें न्यू अपडेट्स के लिए।